हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरदीप दुआ। दोस्तों हेल्थ केयर शो में हमारे सारे देश और विदेश के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा कि सौंफ खाने के हमारी बॉडी को क्या फ़ायदे होते हैं। अक्सर सौंफ का इस्तेमाल हम खाना खाने के बाद करते हैं। अक्सर होटलों में जाएँ कहीं पर जाएँ तो खाना खाने के बाद आगे हमारे मीठे में सौंफ पेश कर दिए जाते हैं और मज़े से हम खा भी लेते हैं। लेकिन सौंफ खाने के हमारे बॉडी को क्या फ़ायदे होते हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दोस्तों सौंफ का उपयोग जो है वो खाना खाने के बाद ही ज़्यादातर किया जाता है। आज के समय बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद सौंफ खाना पसंद करते हैं और कुछ खाना खाने के बाद खाते नहीं सौंफ बिल्कुल भी। सौंफ खाने से हमारे शरीर में बहुत सारे चमत्कारी फ़ायदे भी होते हैं। इसका सेवन बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर बात करें गैस की तो कई लोगों को खाना खाने के बाद पेट में गैस की समस्या होने लगती है। अगर आप रात को रोज़ाना खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन करते हैं तो आपको गैस की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। और वज़न कम करने के शौकीन लोगों को सौंफ का सेवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सौंफ का सेवन आपकी भूख को कम करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। सौंफ का सेवन करने से आपको किसी और चीज़ खाने का मन नहीं करता है। ऐसे में आपका यानी कि इसका सेवन वज़न कम करने के इच्छुक लोगों को ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों जिन लोगों के गले में खराश रहती है और हमेशा गला बैठा रहता है और सांस लेने में दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को रात को खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की समस्या रहती है उनको सौंफ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से यह समस्या दूर हो जाती है और शारीरिक कमजोरी भी दूर हो जाती है। सो दोस्तों आज के एपिसोड में आपको पता चल ही गया होगा कि छोटे से सौंफ में भी कितनी ज़्यादा पावर होती है और ख़ासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जिनको पाचन क्रिया की समस्या है या वो पतला होना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अक्सर हम सौंफ खाने के बाद जो है कुछ भी व्यर्थ चीज़ें बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। तो सौंफ खाना जो है वो कल से शुरू कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कैमरा पर्सन बी मंजीत और हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद।